रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कुमुद कला मेहता, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। आज मेरे व्याख्यान का विषय है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित शब्द शक्ति। यह स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय समसत्र पत्रकूट संख्या 203 के प्रथम इकाई से है। इस विषय का लाभ हिंदी स्नातक के छात्र भी ले सकते हैं। शब्द शक्ति, शब्द एवं अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि शब्द और अर्थ किसे कहते हैं? तो ध्वनियों का समूह शब्द है और उसे सुनकर हम जो समझते हैं वह अर्थ है। जैसे हाथी, इस ध्वनि समूह को सुनकर हमारे मन में जिस विशालकाय जंतु की प्रतीति होती है वही हाथी शब्द का अर्थ है। अर्थवान शब्द ही शब्द कहलाते हैं। काव्य एवं साहित्य में अर्थविहीन शब्द की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। शब्द का उच्चारण ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। अचार या चटनी का नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता है। भूत या सांप शब्द का उच्चारण करते ही मन में भय का संचार होता है। यह प्रभाव अर्थगत है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है वही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने लिखा है, जो सुन पड़े सो शब्द है, समुझी पड़े सो अर्थ। अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उसे सुनकर जो समझ में आए वह उसका अर्थ है। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतनी ही प्रकार की शक्तियां होंगी। शब्द वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन प्रकार के होते हैं तथा इन्हीं के अनुरूप तीन प्रकार के अर्थ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ होते हैं। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की तीन शक्तियां अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती हैं। वाचक शब्द किसे कहते हैं? जो अपने लोक प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान कराते हैं। लक्षक प्रसिद्ध अर्थ के बोध में बाधा उपस्थित होने पर अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को लक्षक शब्द कहा जाता है। व्यंजक वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध कराने वाले शब्द व्यंजक कहलाते हैं। अभिधा शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के लोक व्याकरण और कोश आदि में प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा शक्ति कहा जाता है। जैसे हाथी, सुनते ही एक विशालकाय जंतु का रूप मन पर अंकित हो जाता है। इसी प्रकार बैल से पशु विशेष का, उल्लू से पक्षी विशेष का अर्थ स्पष्ट होता है। उपर्युक्त शब्दों के ये अर्थ समाज में प्रचलित हैं एवं प्रसिद्ध हैं। इस स्तर पर प्रयुक्त शब्द को वाचक और उससे प्राप्त अर्थ को वाच्य और शब्द से अर्थ प्राप्त करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। किंतु सदा हम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ को नहीं लेते। अनेकार्थक शब्दों या विदेशी शब्दों का, जिनका रूप हिंदी के समान है पर अर्थ भिन्न होता है। उदाहरण स्वरूप करुणायत निषाद के स्वर में विहगों का है कंठ का विकल, दूसरा है यह सुधी गृह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। प्रस्तुत दोनों पदों में निषाद शब्द विद्यमान है। द्वितीय पद में उसका अर्थ है निषाद नाम की एक प्राचीन जाति जो अभिधा द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रथम पद में प्रसंगवश और अभिधा द्वारा निषाद का अर्थ है संगीत के सात स्वरों में अंतिम स्वर। लक्षणा शब्द शक्ति, शब्द का अर्थ अभिधा मात्र में ही सीमित नहीं रहता है। जब मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा आती है तब रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर दूसरा अर्थ लगाया जाता है। यह अर्थ वक्ता के प्रयोग के आधार पर होता है। यदि वक्ता का आश्रय अभिधा गम्य नहीं होता है तो उससे संबद्ध दूसरा अर्थ लक्ष्यार्थ लक्षणावृत्ति से ज्ञात हो जाता है।
मुख्यात भिन्ना भिन्नार्थ सूचक लक्ष्यार्थ, लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति का नाम लक्षणा है। वे शब्द लक्षक हैं जिनसे वह अर्थ निकलता है। इस प्रकार लक्ष्यार्थ बोध के लिए तीन बातें आवश्यक मानी जाती है, मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध, और तीसरा है रूढ़ी या प्रयोजन। मुख्यार्थवाद, जब मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा उत्पन्न होती है अथवा यह ज्ञात हो कि वक्ता जिस अर्थ को व्यक्त करना चाहता है वह अस्पष्ट न हो, तब उसे मुख्यार्थवाद कहते हैं। मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ का संबंध, मुख्यार्थ के बाधित होने पर जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसका मुख्य अर्थ के साथ संबंध नितांत आवश्यक है। रूढ़ी या प्रयोजन, रूढ़ी का अर्थ है प्रसिद्धि, अर्थात किसी विशेष प्रकार के कहने का ढंग या अभिप्राय विशेष का कारण, वक्ता का किसी विशेष अर्थ को प्रकट करना। उदाहरण के लिए, तुम गधे हो, कहने से मनुष्य गधा नहीं हो सकता है, अतः यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है। किंतु गधा शब्द का एक अन्य प्रसिद्ध अर्थ भी है मूर्खता, अतः अति मूर्खता का अर्थ के लिए यहाँ अभिधा को छोड़कर लक्षणा की सहायता लेनी पड़ती है। वक्ता जितना कहना चाहता है वह अभिधा से संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है बैलों के साथ बैल भी बनना पड़ता। प्रस्तुत पद्यांश में पहले बैल का अर्थ है पशु विशेष, किंतु दूसरे बैल का अर्थ भी पशु विशेष करने से अर्थ की संगति नहीं बैठती, अतः लक्षणा द्वारा उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। निरंतर कठिन परिश्रम करने वाला। लक्षणा शक्ति दो प्रकार की होती है, प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ा लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवश लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाता है। जैसे, मेरा सुत शेरों का शेर है, प्रस्तुत पद्यांश में किसी विशेष प्रयोजनवश अपने बेटे को शेरों का सरदार अर्थात शेर के समान कहा गया है, अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ीवश लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को रूढ़ा लक्षणा कहा गया है। जैसे, इस भांति बातों में समर का श्री गणेश हुआ वहाँ, प्रस्तुत पद्यांश में श्री गणेश का अर्थ पार्वती पुत्र गणेश ठीक नहीं बैठता। उधर लोक में श्री गणेश का अर्थ प्रारंभ करना रूढ़ हो चुका है, अतः रूढ़ीवश लक्ष्यार्थ का ज्ञान होने के कारण यहाँ रूढ़ा लक्षणा है। कभी कभी लक्षणा शक्ति द्वारा नितांत विपरीत अर्थ भी ग्रहण किया जाता है, यह लक्षणा विपरीत लक्षणा कहलाती है। जैसे किसी नितांत असत्य भाषी के लिए कहा जाए, कलयुग में यही तो हरिश्चंद्र के अवतार हैं। प्रस्तुत पद्यांश में विपरीत लक्षणा के द्वारा हरिश्चंद्र का अर्थ है सर्वथा असत्य भाषी। व्यंजना शब्द शक्ति, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शक्ति कहा जाता है। अभिधा केवल प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान कराती है और लक्षणा वही कार्य करती है जहाँ अर्थ ज्ञान में कोई बाधा उपस्थित हो, किंतु व्यंजना शक्ति बिना किसी बाधा के वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ का ज्ञान कराती है, अतः यह दोनों से भिन्न मानी जाती है। व्यंजना शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। व्यंग्यार्थ के लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, अपेक्षार्थ, प्रत्यमानार्थ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। व्यंग्यार्थ का ही दूसरा नाम ध्वनि है। इसे ध्वनि इसलिए कहते हैं कि यह ध्वनित होता है। जैसे, घंटे पर चोट लगने से पहले जोर की टंकार होती है, उसके बाद उसमें से मंद मंद झंकार निकलती है जो देर तक गूंजती रहती है। उसी प्रकार शब्द से पहले मुख्यार्थ का बोध होता है और उसके बाद वक्ता, श्रोता और संदर्भ भेद से अन्य अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक
वाक्य है सूरज डूब गया। संदर्भ भेद से इसके कई अर्थ ध्वनित होते हैं। यदि घर में कोई कहे कि सूरज डूब गया तो हम संध्या वंदन का समय समझते हैं, किंतु किसी दुकान का मालिक अपने नौकर से कहता है सूरज डूब गया तो नौकर झट बटन दबाकर बिजली जला देता है। इसी प्रकार गाय चराते हुए ग्वाल बालों से जब उनका मुखिया कहता है सूरज डूब गया तो ग्वाल बाल गायों को हाँक कर गांव की ओर चल देते हैं। सूरज डूब गया इस वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ तो एक ही है, किंतु संदर्भ भेद से अन्य अर्थ व्यंजित या ध्वनित होते हैं। एक अन्य उदाहरण लीजिए, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। पानी शब्द का मुख्य अर्थ जल है। अविधा और लक्षणा के आधार पर इस कविता का अर्थ विशेषकर पानी का नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पानी शब्द का अर्थ मोती के पक्ष में कांति, मानुस के पक्ष में प्रतिष्ठा और चूने के पक्ष में जल है। इन अर्थों की प्रतीति व्यंजना द्वारा हुई है। काव्य में अविधा को अधम काव्य, लक्षणा को मध्यम काव्य और व्यंजना को उत्तम काव्य की संज्ञा दी गई है। अच्छी और सच्ची कविता में व्यंजना की प्रधानता होती है। इन्हीं शब्द शक्तियों के आधार पर काव्य की रचना होती है। व्यंजना शक्ति दो प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना शब्द पर निर्भर करती है और आर्थी व्यंजना अर्थ पर निर्भर हुआ करती है। आज का यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।